इस आउटडोर यूनिट के जस्ट सामने में घर बन रहा है, दीवार खड़ा होगा तो इसका हीट जो है पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एसी जो है बार बार ट्रिप करेगा और कूलिंग में इशू आएगा। यहाँ आप देखिए कि दीवार खड़ा हो रहा है, उसी दीवार पर बैठे हुए हैं, तो ये दीवार जो है सीधा ऊपर तक जाएगा, छत तक, ठीक है। इसीलिए जो है इस आउटडोर यूनिट को यहाँ से उतार करके छते के ऊपर रख लेंगे ले जाके। एसी को भी हम चलवाए हुए ताकि इसका गैस जो हम बढ़िया तरीका से रीस्टोर कर सके, ठीक है। और गैस रीस्टोर करने के बाद जो है हल्का सा भी गैस इसके अंदर से लीकेज नहीं होगा और फिर वही गैस जो है इसके अंदर रिलीज कर देंगे हम। गैस रीस्टोर करने के लिए सबसे पहले हम डिस्चार्ज वाले वॉल्व को जो बंद करेंगे, उसके बाद कुछ समय वेट करने के बाद इसके सक्शन वाले को बंद करेंगे। पूरा कंप्लीट गैस जो है इनका आउटडोर यूनिट के अंदर जो है रीस्टोर हो चुका है। अब इसका हम पाइप खोल रहे हैं, थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वही निकल रहा है अभी। अब रह गया पाइप, पाइप को भी सीधा करके छत पे ले जाना है। छेद भी क्लियर हो गया, यहाँ से पाइप जो सीधा चल जाएगा छत पे। पाइप को जो हम सीधा करेंगे इसका फ्लेयर खोल करके सीधा करेंगे, ठीक है, नहीं तो फ्लेयर जो खराब हो जाएगा इसका। छत पर जो आउटडोर यूनिट को रखेंगे तो वर्षा के पानी से बचाव के लिए थोड़ा सा हाइट कर रहे हैं, तो एक स्टैंड टाइप का बनवा रहे हैं ईटे का, ठीक है। दो चार बोरी डाले, उधर चाचा अपना स्टैंड बनाने का काम कर रहे, तब तक हम अपना इधर जो काम कर लेते हैं। इसको जो थोड़ा सा यू बेंड करके तब मोड़ेंगे ताकि बारिश वाला पानी पाइप से रिसते हुए सीधे अंदर ना चले जाए, ठीक है। चलिए अब पाइप को सीधा कर लेते हैं, पाइप को खोल बो किए थे सीधे करने के लिए ना। पाइपिंग जो हमसे जितना बढ़िया तरीका से हो सकता है उतना बढ़िया तरीका से करने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा दीवार में चिपका करके। पाइप को भी अब कसिए देते हैं, इधर का सारा काम कंप्लीट करके उधर चले जाएंगे। और अब इधर देखिए एसी के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया रूफ स्टैंड जो बनकर के तैयार है। अब इनके ऊपर एसी को रख दिया, देखिए कितना बेहतरीन और बढ़िया लग रहा है दिखने में। अब बरसा तो क्या, बाढ़ का पानी भी एसी को छू नहीं पाएगा, कितना हाइट हो गया देखिए। बताइए मार्केट में कोई जोड़ा है इस स्टैंड का, इससे बढ़िया बेहतरीन स्टैंड कहीं मिल सकता है आपको। फाइनली से एसी का पाइपिंग भी कर चुके हैं, देखिए पूरा दीवार से चिपका करके लाए हैं ताकि पाइप जो थोड़ा बहुत भी हिलडोल ना हो और गैस लीकेज का चांस जो है 0% रहे, ठीक है। इस तरफ से भी हम दिखा देते हैं, ठीक है, इधर से भी देख लीजिए इस तरह से किए हैं। और एसी के चारों लेग में जो है ना फास्टनट डाल दिए हैं, ठीक है, फास्टनट डाल के जाम किए हैं ताकि एसी भी इधर उधर घसक फसक ना हो। अब इनको जो हम वैक्यूम पर लगा चुके हैं और 20 मिनट बढ़िया तरीका से इसके अंदर वैक्यूम करेंगे, पाइप के अंदर जो बाहरी हवा घुसा है वो सारा खींच के बाहर निकाल लेंगे। वैक्यूम होते हुए 20 मिनट से ऊपर हो चुका है, अब सबसे पहले हम मीटर बंद करेंगे उसके बाद वैक्यूम, ठीक है। और अब हम इनका वॉल्व खोल करके गैस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। चारों नट के पास से जो कसे थे वहां भी झाग लगा लगा करके गैस लीकेज चेक कर लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो थोड़ा सा पाइप खुला हुआ है ना इसको टेप मार के बढ़िया से लपेट दें। यहाँ भी टेप टेप मार करके पूरा काम जो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इधर से तो पहले से ही व्हाइट सीमेंट भरा हुआ है और ऐसे पाइपिंग गया है इस तरफ से, यहाँ से घुस के गया, ठीक है, यहाँ इस तरफ से पाइप निकला और उस तरफ से कनेक्ट हो गया। अब फिर से लास्ट टाइम जो आउटडोर यूनिट को देख लीजिए स्टैंड के साथ। इंडोर यूनिट भी एकदम गर्दा उड़ा के रखे हुआ है, ठंडा ठंडा चिल्ड हवा फेंक रहा है पहले जैसा ही।